महिलाओं को मताधिकार से वंचित करना। देश की जो महिलाओं हैं, देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना योगदान दिया, अपना बलिदान दिया, ऐसी महिलाओं को जो कुलीन वर्ग के लोग थे, जिनका समाज में दबदबा था, उन लोगों ने कानून बना करके महिलाओं को मत देने से वंचित कर दिया, जिसके कारण समाज की महिलाओं ने इसका भाषक विरोध किया, आंदोलन किया, जुलूस निकाले गए, जिसके कारण सरकार भयभीत हो गई और भयभीत होकर के सरकार ने महिलाओं को भी मत देने का अधिकार प्रदान किया। महिलाओं को इस अधिकार की भूमिका दिलाने में सबसे बड़ा योगदान नेपोलियन बोनापार्ट का माना जाता है, जो कि फ्रांस के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए एक मसीहा के रूप में उभर कर सामने आया और देश का नाम तथा देश की जनता का नाम अग्रसर करने में या देश का नाम रोशन करने में उस महान सपूत ने अपना बलिदान दिया और देश को आगे बढ़ाया। बच्चों, कुछ प्रश्न हम दे रहे हैं जिनका उत्तर आप लोग खोजिए, न मिले तो आगे अध्याय में आप हमसे इन प्रश्नों के जवाब पूछ सकते हैं। निरंकुश वाद को परिभाषित कीजिए। फ्रांस में दास प्रथा का अंत कैसे हुआ? फिर जैकोबिन दल से आप क्या समझते हैं? इवन ऑटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है? मताधिकार की परिभाषा दीजिए। बच्चों, धन्यवाद।